रहमान रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के एडमिशंस फॉल 2023 के रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस फॉल 2023 जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर 2023 है। एडमिशंस जो है वो बेसिकली BS बोर्ड ने BS केमिस्ट्री, BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, BS जूलॉजी, BS डेटा साइंसेज, BS इस्लामिक स्टडीज, BBA, BS इंग्लिश, BS इकोनॉमिक्स, BCOM और BS उर्दू में ओपन है। इसी तरह जो है BS फिफ्थ सेमेस्टर के लिए लिमिटेड सीट्स के ऊपर जो है वो एडमिशंस ओपन है और मेरिट लिस्ट जो है वो FSC पार्ट 2 के रिजल्ट की डेट को जो है वो कंसीडर करते हुए अपलोड की जाएगी। अप्लाई करने के लिए अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली की जो मेन वेबसाइट है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इधर आपको एडमिशंस का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने साइनअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट जो है वो आपने क्रिएट करना है एडमिशन पोर्टल पे। CNIC नंबर जो है अपना विदाउट डैशेज वो आपने इंटर करना है, ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को कन्फर्म करने के बाद अपने साइनअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद आपने अपने अकाउंट को जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या BS फिफ्थ सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रोग्राम की जो प्रेफरेंस है वो आपने सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने सीट जो है वो सिलेक्ट करनी है कि आप ओपन मेरिट सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, डिसेबल कोटा या अदर कोटा के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपना नेम जो है आपने वो इंटर करना है। उसके बाद CNIC नंबर, नेशनैलिटी जो है वो इंटर करेंगे, जेंडर जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेंट सेल नंबर, अपना फ़ोन नंबर जो है वो इंटर करना है आपने। इसके बाद आपने रिलीजन जो है अपना वो चूज़ करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है अपनी। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका आपने वो इंटर करना है, डोमिसाइल प्रोविंस जो है आपका वो आपने इंटर करना है। उसके बाद अपना फादर का नेम जो है वो इंटर करना है, फादर का आईडी कार्ड नंबर जो है वो इंटर करना है, फादर का सेल फोन नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद अगर आपके फादर या मदर की जो है वो डेथ हो चुकी है तो अपने गार्डियन की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है, गार्डियन का नेम जो है वो इंटर करना है, गार्डियन का CNIC नंबर जो है वो इंटर करना है, रिलेशनशिप जो है वो आपने इंटर करना है इधर, और उनका फ़ोन नंबर जो है वो इंटर करना है आपने। इसके बाद जो है आपने अपने फादर की जो है वो एनुअल इनकम जो है वो मेंशन करनी है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस जो है अपना वो इंटर करेंगे, परमानेंट एड्रेस वो इंटर करेंगे। इसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ऐड करनी है, एग्जामिनेशन आपने सेलेक्ट करना है मैट्रिक। उसके बाद आपने बोर्ड का नेम जो है जिससे आपने पास की है अपनी मैट्रिक वो इंटर करेंगे, रोल नंबर अपना मैट्रिक का इंटर करना है, पासिंग ईयर इंटर करेंगे, टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, ऑब्टेनिंग मार्क्स इंटर करेंगे। उसके बाद डिवीजन जो है आपने वो सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट डिवीजन है आपकी या सेकंड डिवीजन है। इसके बाद सेशन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, एनुअल सेशन में आपने पास की है या सप्लीमेंट्री सेशन में पास की है मैट्रिक वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इधर जो है अपने मैट्रिक की जो रिजल्ट कार्ड की पिक्चर है वो अपलोड करनी है। उसके बाद अपने इंटरमीडिएट की जो है इन्फॉर्मेशन वो ऐड करनी है। सबसे पहले एग्जामिनेशन आपने सेलेक्ट करना है, FSC की है, FA की है या डिप्लोमा की है आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने बोर्ड का नेम जो है वो इंटर करना है, उसके बाद रोल नंबर जो है FSC का वो इंटर करेंगे, पासिंग ईयर इंटर करना है अपने, टोटल मार्क्स अगर पार्ट वन क्लियर है तो पार्ट वन के टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, ऑब्टेनिंग मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद आपने डिवीजन जो है अपनी वो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद एनुअल सेशन में पास किया या सप्लीमेंट्री में वो आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटरमीडिएट की जो है अपने रिजल्ट कार्ड की पिक्चर वो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद अगर आप हिफ्ज़े कुरान है तो आपने इधर आई हेयर बाय इस टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है, और अगर आप डिसेबल हैं तो इस टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है वो एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आपने रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन डिटेल्स जो है वो इंटर करने के बाद आपने डाउनलोड चलान के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अपना CNIC नंबर जो है वो इंटर करेंगे और गेट चलान के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड चलान का, डाउनलोड चलान के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने अपना चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। टोटल फीस जो है वो 500 है और बैंक चार्जेस जो है वो 50 रुपीज़ हैं, टोटल 550 का जो है चलान है। चलान जो है वो पे करने के बाद आपने अपलोड चलान फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर आपने पेड चलान की जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इधर आपको ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है, इधर चलान नंबर जो है आपने वो इंटर करना है और आप पिक्चर जो है अपलोड करके अपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपने डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे प्रिंट कर लेना। प्रिंट करने के बाद जो है जो चलान जो आपने पे कर दिया उसकी एक कॉपी जो है वो साथ अटैच करनी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ, और साथ में अपने अपने एकेडमी जो रिजल्ट कार्ड्स हैं उनकी फोटो कापीज जो है वो अटैच करेंगे साथ में। और ये जो है अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली को जो है वो TCS करवाना है। TCS करवाने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।